साल 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में कदम रखने वाले अभिनेता वरुण धवन ने बहुत ही कम समय में फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बड़े पर्दे पर एक चॉकलेटी बॉय से लेकर सीरियस किरदार तक निभाए हैं। जल्द ही वरुण धवन अमर कौशिक द्वारा डायरेक्ट फिल्म भेड़िया में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म से वरुण धवन का पहला लुक सामने आया है, जिसमें वो काफी अलग और धांसू लग रहे हैं। फैंस उनके इस लुक को खूब पसंद कर रहे हैं। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल NN Bollywood अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। वरुण धवन अक्सर अपनी फिल्मों के चलते ही गॉसिप्स का हॉट टॉपिक बनते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में वरुण ने अपने पास्ट को लेकर कई बातें रिवील की हैं, जो बेहद चौंका देने वाली हैं। वरुण धवन ने एक शो के दौरान अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए। वरुण ने अनुपम खेर के सामने अपने कुछ ऐसे राज खोले, जिसे सुनकर सिर्फ अनुपम खेर ही नहीं बल्कि वरुण के पिता, जो सेट पर वरुण के साथ गेस्ट बनकर पहुंचे थे, वो भी काफी हैरान हो गए। वरुण ने बताया, मैं एक बार एक लड़की के साथ कमरे में था और बाहर से दरवाजा बजा। लड़की ने अंदर आकर मुझे बताया कि मेरा भाई आया है। ये सुनकर मैं बुरी तरह कांप गया। वरुण ने अपने राज के बारे में खुलासा करते हुए आगे बताया कि जैसे ही वो रूम के बाहर आए, उनके भाई ने बिना कुछ सुने उनके गाल पर तमाचा जड़ दिया। वरुण ने बताया कि हम चल रहे थे और जैसे ही हम दूसरे फ्लोर पर पहुंचे तो रोहित ने मुझे एक और थप्पड़ मारा। मैं ये देखकर दंग रह गया। मैंने रोहित से कहा कि ये सब बातें मम्मी पापा को मत बताना। मैंने उनसे गुजारिश की। वरुण ने कहा, हम जैसे ही छठे फ्लोर पर पहुंचे, भाई ने मुझे फिर से एक तमाचा जड़ दिया। वो हर फ्लोर पर मुझे एक थप्पड़ मार रहे थे और 6 फ्लोर तक आते आते उन्होंने मुझे 6 थप्पड़ मारे। मुझे लगा कि भाई ने मारा है तो माता पिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सोचा, रोहित ने इतना मारा है तो ये मम्मी पापा को कोई बहाना दे देगा, लेकिन उसने ऊपर जाकर सबको सब बता दिया। वरुण धवन की ये बातें सुनने के बाद अनुपम खेर अपनी हंसी नहीं रोक पाए, वहीं डेविड धवन की भी हंसी छूट गई। वरुण ने आगे कहा, रोहित मम्मी पापा के पास जाकर बोलता है कि ये मेरा नाम खराब कर रहा है, लड़की थी इसके रूम में। जिसका जवाब देते हुए मैंने कहा, क्या नाम खराब कर रहा हूँ, तुम मेरे से सिर्फ 4 साल बड़ा है। वरुण धवन को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भले ही करण जौहर ने लॉन्च किया हो, लेकिन उन्होंने अपने पिता डेविड धवन के साथ मैं तेरा हीरो, जुड़वा 2 और कुली 2 जैसी फिल्मों में काम किया है। वहीं अपने भाई रोहित धवन की फिल्म टिशू में भी वरुण ने अहम रोल निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ जैकलीन फर्नांडिस और जॉन अब्राहम भी नजर आए थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।